हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम किंजल है और मेरे हस्बैंड और मैं इस चैनल पर ट्रैवल एंड फूड वीडियोस बनाते हैं। सो टाइटल पढ़कर तो आपको समझ ही गया होगा कि ये वीडियो में हम आपके साथ दुबई ट्रिप के ए टू जेड सारे डिटेल शेयर करेंगे। ऑल्सो आई प्रोमिस, ये वीडियो पूरा देखने के बाद ना आप खुद से ही पूरा ट्रिप प्लान कर लोगे। सो मेक श्योर टू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो बिकॉज इट्स फ्री एंड ऑल्सो हेल्प्स विद यूट्यूब एल्गोरिथम। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट मी टेल यू दैट अगर आप फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो देन दुबई इज द परफेक्ट लोकेशन। हर टाइप के ट्रैवलर के लिए यहाँ कुछ ना कुछ है, वेदर यू आर कपल, फैमिली, सोलो और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। सो हमारे हर ट्रैवल गाइड की तरह ये वाला ट्रैवल गाइड भी टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपको आपका ट्रिप प्लान करने में हेल्प करेंगे। एंड इवन इफ दिस इज योर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, आपका प्लानिंग सुपर स्मूथ होगा। सेकंड पार्ट में हम आपके साथ वो लिस्ट ऑफ प्लेसेस शेयर करेंगे जो हमने हमारे ट्रिप में कवर किए थे और हम कुछ लोकेशंस भी रिकमेंड करेंगे जो आप ऐड कर सकते हो अपने आइटिनरी में। थर्ड, यहाँ पर हम शेयर करेंगे हमारा बजट ब्रेकअप। फोर्थ, अब ये लास्ट पार्ट में हम कुछ डिस्कस करेंगे टिप्स एंड डूज एंड डोंट जो आपको आपके ट्रिप के दौरान हेल्प करेंगे। अगर आप इन चारों में से किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे डायरेक्टली स्किप करना चाहते हो तो उसके टाइम स्टैम्प्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं, सो यू कैन डायरेक्टली स्किप टू दैट पार्ट। सो बहुत ज्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट कर दे हमारे फर्स्ट सेक्शन से, बेस्ट सीजन टू ट्रैवल टू दुबई। वैसे तो लोग दुबई ईयर अराउंड ट्रैवल करते हैं बट वेदर वाइज दुबई ट्रैवल करने का बेस्ट टाइम है नवंबर टू मार्च। इन मंथ्स में वेदर काफी प्लेजेंट होता है थ्रू आउट द डे, बट अगर आप थोड़ा बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो वी वुड रिकमेंड कि आप मिड ऑफ अक्टूबर या एंड ऑफ मार्च या अप्रैल में प्लान कीजिए, जिसको शोल्डर मंथ्स भी आप कह सकते हो। इन मंथ्स में वेदर थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड होगा बट कंपैरेटिवली कम होगा बाकी समर मंथ्स से। शोल्डर मंथ्स में यू विल गेट बेस्ट डील स्पेशली ऑन होटल्स। हम दुबई गए थे सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। हाउ मेनी डेज टू कंसिडर फॉर दुबई ट्रिप? आइडियली इफ यू वॉन्ट टू कवर एवरीथिंग इन दुबई देन यू नीड एटलीस्ट 7 days, बट अगर आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट अट्रैक्शंस और हाइलाइट्स कवर करने हैं देन 5 days आर इनफ। एंड अगर अबू धाबी भी कवर करना चाहते हो देन वी वुड रिकमेंड एटलीस्ट 10 days। हम वहाँ गए थे 7 days के लिए। हमने एक डिटेल्ड डे वाइज ट्रैवल गाइड भी बनाई है जिसमें हमने सारे डिटेल्स दिए हैं, इंक्लूडिंग डिटेल्ड बजट ब्रेकअप, हाउ टू रीच, टिप्स, डूज एंड डोंट्स। सो इन केस यू वांट टू गेट इट, यू कैन गेट इट फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फ्लाइट डिटेल्स, दुबई के रिटर्न फ्लाइट का ऑन एन एवरेज टिकट का कॉस्ट होता है 22,000 पर पर्सन मुंबई से, और इसका जो चीपेस्ट एयरलाइन है वो है इंडिगो। दुबई में टोटल 2 एयरपोर्ट्स है जहां का आप फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हो। एक है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑल्सो नोन एज DXB, एंड सेकेंड इज शारजा एयरपोर्ट। पीपल यूजुअली से कि शारजा एयरपोर्ट के फ्लाइट टिकट्स चीपर होते हैं, बट व्हेन आई चेक देयर इज हार्डली डिफरेंस ऑफ 2,000, जो अगर आप डाउनटाउन दुबई में या फिर बर दुबई में स्टे कर रहे हो तो उतना अमाउंट तो आपका टैक्सी में ही स्पेंड हो जाएगा। इसलिए वी वुड सजेस्ट टू बुक फ्लाइट टिकट्स फॉर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई इंडिया से टाइम में 1.5 घंटा पीछे है और फ्लाइट का ड्यूरेशन लगभग 3 से 3.5 घंटे का होता है, डिपेंडिंग आप इंडिया में कौन सी सिटी से फ्लाइट बुक कर रहे हो। हमने एमिरेट्स फ्लाइट टिकट्स बुक की थी जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी एयरलाइंस है, इवन इकोनॉमी सीट्स भी। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस एमिरेट्स का हमारा काफी अच्छा था। इफ यू आर गोइंग विद एमिरेट्स देन वी वुड सजेस्ट कि आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक कीजिए, क्योंकि 2 चीजें होती है। सबसे पहले तो आपको बेस्ट कॉस्ट मिलता है और सेकेंड आपको स्काईवर्ड मेंबरशिप पॉइंट्स मिलते हैं जो आप अपने फ्यूचर ट्रिप्स पे यूज कर सकते हो। वीजा प्रोसेस, हमने अब तक जितने भी कंट्रीज ट्रैवल किए हैं उन सब में दुबई का वीजा प्रोसेस सबसे ज्यादा सिंपल एंड क्विक है। एंड यस, दुबई जाने के लिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को कंपल्सरी ई वीजा है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास US का विजिट वीजा है या फिर UK यूरोप का रेसिडेंस वीजा है, देन यू आर एलिजिबल फॉर वीजा ऑन अराइवल। दुबई यानी कि UAE का ई वीजा अप्लाई करने के 2 ways है। एक, आप खुद से उनके ऑफिशियल वीजा पोर्टल से कर सकते हो, एंड दूसरा किसी एजेंट के थ्रू। हमने हमारा वीजा एजेंट के थ्रू किया था बिकॉज कॉस्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, एंड एजेंट के थ्रू करने में सिर्फ 2 documents देने होते हैं आपको। एक तो है पासपोर्ट का स्कैन कॉपी, वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट एटलीस्ट 6 months का होना चाहिए, और दूसरा है पासपोर्ट साइज फोटो का स्कैन कॉपी। बस आपको ये 2 documents सबमिट करने हैं एंड यू आर गुड टू गो।
और हाँ, दुबई के ई वीजा के साथ साथ आपको कोविड इंश्योरेंस लेना भी कंपलसरी है। वैसे तो आपको ई वीजा 48 आवर्स में मिल जाता है, बट टू बी ऑन सेफर साइड आप एटलीस्ट 7 डेज पहले अप्लाई कीजिए। करेंसी एंड करेंसी एक्सचेंज। दुबई की करेंसी है दिरहाम, और अगर आप उसे इंडियन करेंसी से कंपेयर करोगे तो आज के डेट के हिसाब से उसका कन्वर्जन रेट होता है 22.68 INR is equal to 1 dirham. दुबई में ऑलमोस्ट हर जगह पर आप कार्ड यूज कर सकते हो ट्रांजेक्शन के लिए, इवन इन टैक्सीज। सो यू कैन यूज अ गुड फॉरेक्स कार्ड जिसमें जीरो मार्कअप चार्जेस है। जब भी आप कार्ड से ट्रांजेक्शन कर रहे हो POS मशीन पर, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कार्ड स्वाइप कर रहे हो, तो मेक श्योर यू सिलेक्ट करेंसी इन AED एंड नॉट इन INR. अगर आप INR सिलेक्ट करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ कन्वर्जन फीस पे करनी पड़े। हम रिकमेंड करेंगे कि आप एटलीस्ट कुछ अमाउंट कैश में इंडिया से ही दिरहाम में कन्वर्ट करके लेकर जाइए फॉर इमरजेंसीज, इन केस कोई लोकेशन पर कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ। अगर आपको दिरहाम में करेंसी नहीं मिल रहा है तो आप USD में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज आपको USD का कन्वर्जन रेट INR के कन्वर्जन रेट से बेटर मिलेगा दुबई में। सिम कार्ड। दुबई में मेजरली आपको 3 नेटवर्क्स मिलेंगे, DU, एतिसलात और वर्जिन। प्रेफरेबली आप सिम कार्ड जो है वो एयरपोर्ट से ही बाय कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके एरिया के आसपास इजीली सिम कार्ड अवेलेबल ना हो। हमने एक सिम कार्ड लिया था DU का एंड एक वर्जिन मोबाइल का लिया था, जिसमें हमने 21 GB ऑफ डेटा विथ 7 डेज ऑफ वैलिडिटी लिया था। इसका कॉस्टिंग आपको बजट के सेक्शन में हम बताएंगे। ट्रैवल इंश्योरेंस। दुबई में यू हैव टू बाय कोविड इंश्योरेंस एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन एज इट्स कंपलसरी, बट ट्रैवल इंश्योरेंस लेना कंपलसरी नहीं है। फिर भी हम पर्सनली रिकमेंड करेंगे कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कीजिए, एज इट्स हार्डली कॉस्ट 700-800 रुपीज़ और आपको ये आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है। अकोमोडेशन। बुकिंग अकोमोडेशन इन दुबई सीम्स थोड़ा ओवरवेलमिंग, क्योंकि समझ नहीं आता एग्जैक्टली कौन से एरिया में स्टे करे। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन टू लोकेशन, बजट एंड टाइप ऑफ अकोमोडेशन। लेट्स स्टार्ट विद लोकेशन। अगर आपका अच्छा खासा बजट है देन डेफिनेटली प्रेफर डाउनटाउन एरिया, जहाँ से दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा ये सब बिल्कुल पास में है, या फिर JBR, पाम जुमेरा, बेसिकली जो बीच एंड कोस्ट साइड है, जहां आपको मोस्टली लग्जरी ऑप्शंस मिलेंगे Airbnbs एंड होटल्स के। देन अगर आपका बजट मिड रेंज का है तो अल जदाफ एरिया काफ़ी अच्छा है, जहां हमने होटल बुक करी थी। एंड आपको बजट वाले होटल या Airbnb बुक करना है तो बर दुबई और ओल्ड दुबई इज़ अ परफेक्ट एरिया। अब अगर हम बजट और टाइप ऑफ अकोमोडेशन की बात करें तो आपको मिनिमम 5-6,000 पर नाइट के रेंज में एक डिसेंट होटल मिल जाएगी, एंड Airbnbs भी आपको 7-8 के पर नाइट के बीच में मिल जाएगी। अगर आप फैमिली या ग्रुप में जा रहे हो तो प्रेफर बुकिंग Airbnbs, बिकॉज इट्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव व्हेन यू आर मोर देन 2। कपल्स के लिए भी देर आर गुड स्टूडियो अपार्टमेंट ऑप्शंस। इंपॉर्टेंट ऐप्स। दीज आर सम ऑफ द एप्स यू शुड डाउनलोड। करीम्स एंड ऊबर फॉर टैक्सी बुकिंग, बट एज पर आर एक्सपीरियंस करीम्स इज चीपर देन ऊबर। और फूड ऑर्डर करने के लिए भी आप करीम्स ऐप यूज कर सकते हो। यू कैन यूज गेट योर गाइड ऐप टू बुक एंड एक्सेस द अट्रैक्शन टिकट्स, और आपके कन्वीनियंस के लिए हमने सारे अट्रैक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जहां से आप बुकिंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज विजिट दुबई। दिस ऐप हैज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द अट्रैक्शंस, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट इवेंट्स एंड न्यूली लॉन्च अट्रैक्शंस इन दिस ऐप, फॉर एग्जाम्पल ड्रोन शोज और न्यूली लॉन्च रेस्टोरेंट्स। फूड एंड वाटर। गाइज, बेस्ट पार्ट ऑफ दुबई इज यू गेट ऑल टाइप ऑफ फूड हियर, एंड देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर वेजिटेरियंस लाइक मी एंड जैन्स एज वेल। बट स्पेसिफिकली इफ यू प्रेफर ओनली इंडियन फूड, देन बेस्ट एरिया टू हैव इंडियन फूड इज बर दुबई। देर आर लॉट ऑफ गुड कैफेज दैट आर वीगन एंड हैव ब्यूटिफुल एम्बियंस। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। दुबई हैज डिसेंट नेटवर्क ऑफ मेट्रो एंड बसेस, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग सारे अट्रैक्शन वेल कनेक्टेड नहीं है मेट्रो से। Here is what we would suggest. You can book hop on hop off bus from the link in description or by scanning this QR code and book the bus for 48 to 72 hours, जिसमें आपके सारे major attractions cover हो जाते हैं. And for rest of the locations के लिए you can prefer mixture of metro, buses and taxi. For metro and buses you can use NOL card, जो आपको किसी भी metro station से मिल जाएगा. NOL card का जो costing है वो है 25 dirhams, जिसमें आपको 19 dirhams credit use करने के लिए मिलता है, and जो बाकी के 6 dirhams है वो आप card को return देके refund भी ले सकते हो. Taxi के लिए prefer Kareem's app, और उसमें भी हमेशा हाला या दुबई taxi book कीजिए, जो सबसे cheaper होता है।
दुबई टैक्सी का मिनिमम फेयर 8-12 दिरहम है डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग एंड पर 1 किलोमीटर दे रफली चार्ज 1.82 दिरहम। शॉपिंग इन दुबई, दुबई इज अ हेवन फॉर शॉपिंग गाइज, और ये बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पर यू गेट चीपर फोन्स, लैपटॉप्स, इनफैक्ट हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम। बट आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय कर रहे हो स्पेशली फ्रॉम बर दुबई, देन प्लीज वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ द शॉप एंड प्रोडक्ट, ऑलवेज बाय फ्रॉम अ ट्रस्टेड शॉप। देन परफ्यूम्स, ऊद, ड्राई फ्रूट, स्पाइसेस, ये सारी चीजें आपको अलसिफ सूक जो ओल्ड दुबई में है वहाँ काफी चीपर और अच्छे क्वालिटी में मिलेगी। आप हमारा डिटेल शॉपिंग वाला वीडियो चेक कर सकते हो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। और मॉल से आप कुछ लग्जरी ब्रांड का शॉपिंग करना चाहते हो देन आई वुड रिकमेंड क्लोथ्स पर मत स्पेंड कीजिए, क्योंकि क्लोथ्स दुबई में इंडिया से एक्सपेंसिव है। बट यू कैन बाय बैग्स, शूज, और अगर आप एयर जॉर्डन के फैन हो देन यू गेट वेरी गुड डील्स देयर। और जो गोल्ड है वो आपको मीना बाजार बर दुबई में काफी अच्छा मिलेगा। शॉपिंग के बाद बिल संभाल के रखना सो दैट आप टैक्स रिफंड ले सको रिटर्न आते टाइम, एंड शॉपिंग के समय यू विल हैव टू कैरी पासपोर्ट। सो गाइज, दिस सम्स अप आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। और सेकेंड पार्ट शुरू करने से पहले अगर आपको अब तक की टिप्स अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हो। सो इस पार्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे लिस्ट ऑफ प्लेसेस जो हम ने हमारे 7 days of trip में कवर किए थे। बुर्ज खलीफा एंड स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी। बुर्ज खलीफा में यू हैव 2-3 टाइप्स ऑफ टिकट्स डिपेंडिंग ऑन कौन से लेवल पर जाना है। मोस्ट कॉमन होता है लेवल 124 एंड लेवल 125, ये सबसे चीपेस्ट भी है एंड मोस्टली लोग यही लेवल तक जाते हैं। आप बुर्ज खलीफा पर लंच या डिनर भी कर सकते हो इफ यू हैव गुड बजट, या फिर रेस्टोरेंट में आप सिर्फ कॉफी पीने भी जा सकते हो। हाईएस्ट आप 152 टू 154th फ्लोर पर जा सकते हो जिसका टिकट काफी एक्सपेंसिव होता है। एंड स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी से आपको बुर्ज खलीफा, शेख जायद रोड और दुबई डाउनटाउन का बहुत अच्छा व्यू देखने मिलता है। एंड अगर आप सनसेट के टाइम जा रहे हो तो कुछ देर रुककर यू कैन ऑल्सो सी फाउंटेन शो फ्रॉम द टॉप। स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी में यू कैन ऑल्सो डू एडवेंचर एक्टिविटीज लाइक ग्लास स्लाइड एंड एज वॉक। और गाइज, ये अट्रैक्शन और इसके आगे के सारे अट्रैक्शन का बुकिंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, वी फाउंड दिस प्लेस रियली इंटरेस्टिंग एंड एज द नेम सजेस्ट काफी फ्यूचरिस्टिक है, प्लस इसका आर्किटेक्चर काफी यूनिक है। मेक श्योर कि आप इसका टिकट्स एडवांस में बुक कर रहे हो क्योंकि इसके टिकट्स हमेशा सोल्ड आउट होते हैं। पाम जुमेरा एंड द व्यू एट द पाम, अगेन अ वेरी आइकॉनिक लोकेशन एंड द व्यू एट द पाम से आप पूरा पाम जुमेरा का व्यू एंजॉय कर सकते हो। ट्राई कीजिए कि आप सनसेट के समय जा रहे हो, सनसेट के लिए आपको प्राइम स्लॉट ब्लॉक करना जरूरी है एट द टाइम ऑफ बुकिंग। बर दुबई, ओल्ड दुबई एंड अलसिफ सूक, यहाँ पर हमने बोट राइड ली थी सनसेट के समय एंड वी स्पेंड सम टाइम बाय द क्रीक। ये जो सूक है वो बाकी दुबई से बहुत डिफरेंट है एंड वी बोथ जस्ट लव्ड इट। बर दुबई से वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये। ग्लोबल विलेज, ये एवरी ईयर दुबई में काफी बड़े स्केल पर होता है एंड यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के पेविलियंस है जहाँ आप उस कंट्री का फूड ट्राई कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो एंड यहाँ पर एक कार्निवल एंड एंटरटेनमेंट जोन भी है। काफी लाइवली एंड वाइब्रेंट होता है, फैमिली के साथ जाने के लिए तो परफेक्ट है। दुबई फ्रेम, ये भी काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन डेक ही है जहाँ से एक साइड पर आपको ओल्ड दुबई का व्यू देखने मिलता है एंड एक साइड पर न्यू दुबई की स्काईलाइन का व्यू देखने मिलता है। लमेर बीच, काफी हैपनिंग बीच लगा हमें ये, यहाँ पर हैंग आउट करने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट एंड कैफेज है। दुबई मॉल, दुबई मॉल अपने आप में एक दुनिया है, काफी सारे सेक्शन है यहाँ पर और बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, कैफेज विद द व्यू ऑफ बुर्ज खलीफा, शॉपिंग एंड आप दुबई एक्वेरियम भी विजिट कर सकते हो। सो ये सारे लोकेशंस हमने हमारे ट्रिप में कवर किए थे। बट इसके अलावा इफ यू आर एडवेंचर जंकी देन यू कैन ट्राई आउट स्काई डाइविंग, ड्यून बैशिंग, स्कूबा डाइविंग, पैरा सेलिंग, सनराइज हॉट एयर बलून राइड, वन डे ट्रिप टू अबू धाबी, एक्वा वेंचर वाटर पार्क एंड यू कैन ऑल्सो एड न्यूली लॉन्च अट्रैक्शन कॉल्ड आया यूनिवर्स। अब बारी है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की जिसमें हम शेयर करेंगे हमारे ट्रिप का बजट ब्रेकअप। फ्लाइट पर हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ 51,000। हमने एमिरेट्स की फ्लाइट बुक करी थी दोनों टाइम के लिए। इफ़ यू वॉन्ट टू सेव मनी हियर तो आप इंडिगो प्रेफर कर सकते हो, बट बुक करने से पहले लगेज अलाउंस चेक करना मत भूलना। वीजा एंड कोविड इंश्योरेंस के लिए हमने स्पेंड किया 14,000। ऑन ट्रैवल इंश्योरेंस वी स्पेंड 2,200। हमने मैक्सिमम कवर ऑप्ट किया था $250,000 का फॉर 10 days। स्टे पर हमने टोटल स्पेंड किया 78,000 फॉर 7 nights इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। दो सिम कार्ड का कॉस्टिंग हुआ 5,000। ऑन फूड वी स्पेंड 25,000 फॉर लंच, कॉफी, डिनर एंड मिनरल वाटर। लोकल ट्रैवल वाया मेट्रो वी स्पेंड अराउंड 3,000। टैक्सी पर हमारा खर्चा हुआ अप्रॉक्सीमेटली 7,000।
फॉर एंट्री फीस ऑफ अट्रैक्शन वी स्पेंट अराउंड 30,300 एंड इसमें ये सारे अट्रैक्शंस इंक्लूडेड है। इन सब के बुकिंग लिंक्स अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो हम दोनों का मिलाकर टोटल एक्सपेंस हुआ 2,15,500 विच कम्स टू 1,07,750 पर पर्सन फॉर 7 डेज। अगर आप इससे भी कम बजट में अपना ट्रिप करना चाहते हो तो यू कैन स्टे इन हॉस्टल, जो बजट वाले एयरलाइंस है उसमें फ्लाइट टिकट अपना बुक कर सकते हो, और उसके साथ साथ जो फ्री वाले अट्रैक्शन है जहाँ पे कोई भी एंट्री फी नहीं है वो कवर कर सकते हो। मिनिमम से मैक्सिमम बजट ब्रेकअप हमने डिटेल में हमारे ट्रैवल गाइड में दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर ये QR कोड को स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट शेयर करूंगी जिससे आपकी ट्रिप और भी आसान हो जाएगी। लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड वन कॉमन क्वेश्चन एंड दैट इज कि दुबई में कपड़ों का कोई रेस्ट्रिक्शंस है क्या? सो आंसर इज नो, दुबई इज क्वाइट लिबरल एंड यू आर प्रीटी मच फ्री टू वेयर एनीथिंग विच वी यूजुअली वेयर इन इंडिया। बट इफ यू आर प्लानिंग टू विजिट मॉस्क इन दुबई और इन अबू धाबी, देन मेक श्योर दैट योर शोल्डर्स एंड नीज आर कवर्ड, यू आर नॉट शोइंग एनी स्किन एंड योर हेड इज ऑल्सो कवर्ड, सो मेक श्योर यू कैरी स्कार्फ एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द जेंडर्स। Second, bikinis are allowed at the beach. Third, pack comfortable shoes as you will have to walk a lot, especially if you are using metro. Fourth, metros are usually very crowded during peak hours, just like Mumbai and Delhi metro. So plan your itinerary accordingly. Fifth, eating and drinking is not allowed in metro, taxi or any public places. You can drink water though. Sixth, do not cross roads randomly. Always press the crossing button and wait for the signal. Otherwise, you will have to pay fine. Seventh, there is a heavy fine if you enter wrong coach in metro. So always check for the signs and check out our detailed Dubai metro guide on Instagram. Eighth, shooting or taking photographs of anyone without consent is not allowed and Dubai is very strict about this. Ninth, Dubai is a shopping hub, so you will get overwhelmed once you reach there. Keep a certain budget for shopping aside while budgeting for your trip so that you don't cross the budget. 10th, fighting in public areas is not allowed. 11th, people are very disciplined about time in Dubai, so make sure that you reach everywhere on time. 12th, always select AED while paying from your Forex card and not INR to avoid hidden charges of bank. And last but not the least, always carry passport with you when you are shopping and don't forget to get tax-free sticker in the back of your invoice. These are some of the tips from our side which you should keep in mind when you are traveling to Dubai. I hope आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय वॉन्डरर्स।